सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कल पोको फोन लॉन्च हो रहे हैं। पोको फोन आपको पता होगा MIUI 9 एंड्रॉइड 8.1 ओरियो पे रन कर रहा है और उसमें आपको पोको लॉन्चर देखने को मिल जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी शॉमी फोन या एंड्रॉइड फोन में पोको लॉन्चर इंस्टॉल कर सकते हैं। डायरेक्टली टॉपिक की बात करूं तो मैंने आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है जिधर आपको पोको लॉन्चर की APK की फाइल देखने को मिलेगी। आपको पोको फोन के उधर वॉलपेपर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी मैंने आपको फाइल डाउनलोड करने के लिए बोली आपको डाउनलोड करना है एंड आपको क्या करना है, ये आपको लॉन्चर का APK देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इधर बात करूं, आपको सबसे सिंपली इधर इंस्टॉल करना है और अननोन सोर्स को आपको एनेबल इधर करके रखना है और आपको सिंपली इस लॉन्चर को आप जैसे सिंपली इंस्टॉल करते हैं वैसे आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है। अगर मैं आपको बताऊं तो Xiaomi ने इधर कहा है कि 29th अगस्त को इधर पोको लॉन्चर गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल रहेगा, जो कि स्टेबल वर्जन रहेगा, ये बीटा वर्जन है। तो चलिए अभी मैंने डन पे क्लिक करता हूं। अगर आप होम स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉन्चर एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये है हमारा पोको लॉन्चर। पोको लॉन्चर की खासियत क्या है कि आपको इधर आपके जो आइकॉन्स रहेंगे एप्लीकेशन के आइकॉन्स बहुत छोटे हो जाएंगे। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, बहुत छोटे हो गए हैं और बहुत सारे रोज भी बन चुके हैं, कॉलम्स भी बन चुके हैं, तो ये बात मेरे को अच्छी लगी। और आपको इधर गूगल पिक्सल जैसी फीलिंग आएगी जैसे आप इधर स्वाइप अप करेंगे। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, आपको इधर गूगल पिक्सल जैसे लॉन्चर देखने को मिल जाता है, आपको इधर एड्रॉ देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इधर बताऊँ, अगर मैं आपको इधर बताऊँ, आपको बॉटम में सर्च बार देखने को मिल जाता है जिससे आप कोई भी ऐप को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर यूट्यूब लिखता हूँ तो आप इधर ब्राउजर में भी सर्च करते हैं या ऐप स्टोर में भी इसको सर्च कर सकते हैं या डायरेक्टली ऐप को ओपन भी कर सकते हैं। अगर मैं इधर बात करूँ, इस तरह से आपको लॉन्चर देखने को मिल जाता है। मेरे पास एक यूट्यूब ऐप है, आपको इधर लॉन्ग प्रेस करना होगा तो आपको इधर इन ऐप एक्शन देखने को मिल जाएंगे जो कि ये ट्रेंडिंग सब्सक्रिप्शन सर्च, तो इसको 3D टच बोलते हैं और ये 3D टच टर्म आया है एप्पल के आईफोन से। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, आप अगर इधर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको इधर ट्रेंडिंग सब्सक्रिप्शन सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड अगर मैं इधर बात करूँ जो मेरा Xiaomi का Redmi 3A से, आपको जो भी एंड्रॉइड नोगट या एंड्रॉइड मार्शमेलो पे अगर आप कोई फोन रन करते हैं तो आपको ये 3D टच का ऑप्शन देखने को नहीं मिल जाएगा। ये जो Xiaomi का Redmi Note 5 Pro ये ओरियो पे रन कर रहा है, इसके लिए आपको 3D टच का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब चलिए मैं बात करता हूँ कुछ बग्स के बारे में। बग तो एक है जो मुझे इधर नोटिस हुआ है, सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो आपको इधर जो होम स्क्रीन है रीसेंस का ऑप्शन मिलेगा, वो ऑप्शन अभी काम नहीं करेगा। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये आप टैप करोगे तो खुलेगा नहीं, तो ये क्योंकि एक बीटा स्टेज में लॉन्चर है तो आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको पोको लॉन्चर कैसे देखने को मिला। अब चलिए इधर कुछ पोको वॉलपेपर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जिप फाइल है, आपको सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट करना है इस फाइल को। जैसे कि मैं देख सकता हूँ मेरे को कुछ इधर वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे, 7 वॉलपेपर्स है। तो मैं सबसे पहला एक्टिवेट कर देता हूँ, इधर सेटिंग्स में जाके मोर में आपको इधर सेट एज वॉलपेपर करना है और इधर मैं अप्लाई कर देता हूँ। फिलहाल मैं होम स्क्रीन पर इसको सेट करता हूँ। पोको फोन की जैसे आपको इधर फीलिंग देखने को मिल जाएगी, आपको पोको का वॉलपेपर है, इधर आपको पोको लॉन्चर भी देखने को मिल जाता है। बात करूँ तो पोको फोन जब लॉन्च होगा 29 अगस्त को, उसके साथ इधर पोको लॉन्चर भी लॉन्च होगा, गूगल प्ले स्टोर पर स्टेबल अवेलेबल रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे मालूम है बहुत ही वीडियो लेट आया, लोग वीडियोस जल्दी आने की पूरी कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको पोको लॉन्चर कैसा लगा। कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर DM कर सकते हैं और हम उधर सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे या कमेंट सेक्शन में भी मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।